नमस्कार दोस्तों, मैं संजू समीर चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की प्रमुख खबरों में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड में बीएड करने की तारीख हुई घोषित। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के राज्य नोडल पदाधिकारी सह कुल सचिव एसपी सिन्हा ने बताया कि बीएड के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2019 की सूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि रेगुलर मोड से बीएड करने के लिए विज्ञापन 15 जनवरी को जारी किया जा चुका है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के सत्र 2017-19 एवं अन्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2019-21 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए www.nou.ac.in या www.nalandaopenuniversity.com पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10 फरवरी 2019 से 9 मार्च 2019 तक भरे जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री रमई राम ने बताया कि मुजफ्फरपुर के डीएम मोहम्मद सुहैल का स्थानांतरण गलत है, क्योंकि वह एक ईमानदार डीएम रहे हैं और उनका रातों रात स्थानांतरण कर दिया जाना अनैतिक है। वहीं समस्तीपुर के राजेश सुमन जो कि एक अनोखा पहल कर रहे हैं और वे इस पहल के तहत सेल्फी विक्ट्री मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के तहत लोगों से जन्मदिन पर, अपने वर्षगांठ पर या किसी भी अच्छे फंक्शन पर पौधारोपण का अपील करते हैं। वहीं आज देश भर में सरस्वती पूजा की धूम रही और सभी जगह धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नियुक्त शिक्षकों के वेतन के लिए मार्च तक के भुगतान के लिए एसएसए और जीओबी मद की राशि को 2 दिन में रिलीज किया जा सकता है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ 14 फरवरी के आंदोलन को लेकर के रणनीति तैयार कर रही है। इस आंदोलन में पुरानी पेंशन, शिक्षकों की समस्या और विभिन्न शिक्षकों की समस्या को लेकर के इस आंदोलन को तेज करने के लिए शिक्षकों से अपील की गई है। पुरानी पेंशन को लेकर के देशव्यापी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। उस आंदोलन को लेकर के संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए। शिक्षा बचाओ देश बचाओ नारे के साथ अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ 19 फरवरी को संसद मार्च करेगा। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव स्वतंत्र प्रसाद सिंह ने दी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इस चैनल को देखने के लिए और इस चैनल पर विश्वास करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए यह हमेशा ही नई नई खबरें लाता रहे और आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी खबरों को प्रस्तुत करता रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।